तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बॉय कंपनी का ये मिक्सी ग्राइंडर है जो रिपेयर किया है, तो ये चल नहीं रहा है, तो इसको हम सीरीज की मदद से चेक करेंगे। तो हम इस प्लग को हम सीरीज में लगा दिया हमने इस तरीके से, अब हम यहाँ से ऑन करके देखेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सी चल नहीं रहा है, तो इसको हम फटाफट खोल के देखते हैं कि अंदर क्या खराब है। जो भी खराब होगा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और इसमें 4-5 पेंच लगे, इसको हम पेचकश की मदद से खोल लेंगे। तो हम एक एक करके सारे पेंच खोल लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा सारा पेंच खुल गया। अब हम ढक्कन को इस तरीके से निकाल लेंगे और इस वाला वायर को जैक को हम निकालेंगे इस तरीके, और इसको निकालें तो देख सकते हमारा निकल गया। तो सबसे पहले हम इस वाले स्विच को चेक कर लेते हैं, कई बार क्या होता है ये भी खराब होता है जिसकी वजह से ये चलता नहीं है। इसको यहाँ रख देंगे और सीरीज की मदद से हम चेक करेंगे इसको। तो हमने वायर को सीरीज में लगा दिया, अब इस तरीके से देख सकते हमारा बल्ब जल रहा है। अब इस तरीके से हम चेक करेंगे तो देख सकते हमारा ये भी सही है, तो हमारा ये स्विच सही है। अब हम ये वायर को चेक कर लेंगे, तो वायर चेक करना बिल्कुल आसान है। तो एक ब्लैक वाला वायर ये और एक लाल वाला वायर ये, तो इसको और ये प्लग ये, तो हम यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि वायर हमारा खराब है कि नहीं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं लाल वाला वायर ओके है, अब हम ब्लैक वाला चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हमारा वायर भी सही है, तो हमारी मोटर में कमी है, हमारे मिक्सी की मोटर खराब हो गया जिसकी वजह से चल नहीं रहा है। तो हम फटाफट इसकी मोटर को खोल लेते हैं, फिर आगे चेक करेंगे कि कहाँ से खराब हुआ है। अगर मोटर अगर खराब हो तो हम इसमें नया मोटर डाल के आपको दिखाएंगे। तो अब हम पेचकश मदद से इसको हम खोल लेते फटाफट। तो इस मोटर को खोलने के लिए हम इसको सीधा कर लेंगे और ये कपलिंग को निकाल लेंगे। तो हम कपलिंग को चेक करेंगे कि हमारा ये चूड़ी वाला है या खांचा वाला है। तो ये हमारा खांचा वाला है क्योंकि हमें यहाँ से दिख गया है, कैमरे में बेशक नहीं दिख रहा होगा। तो इसको हम दो पेचकश की मदद से निकाल लेंगे और बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से पेचकश लगाएंगे हम और ऊपर की तरफ करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कपलिंग निकल गया और देख सकते हैं ये खांचा वाला है। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और आप देख सकते हैं अंदर 3-4 पेंच लगे, इसको खोल लेंगे तो हमारा मोटर बाहर आ जाएगा। तो हम फटाफट पेचकश की मदद से इसको खोल लेते हैं एक एक करके सारे पेंच को इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा सारा पेंच खुल गया है, अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसको निकालने से पहले हम ये स्विच को निकाल लेंगे क्योंकि सारा थिम्बल इसी में लगा हुआ है। तो हम स्विच को निकाल लेंगे, तो हमारा चेक करना आसान। तो स्विच को इस तरीके से निकाल लेंगे, बटन को आगे का नोब को, तो आप देख सकते हैं हमारा नोब निकल गया। अब यहाँ पेंच लगे तो पेंच को खोलेंगे जिससे हमारा स्विच बाहर आ जाएगा। तो इसको हम नोज प्लास की मदद से खोल लेंगे इसको हम इस तरीके से पकड़ के, तो आप देख सकते हैं हमारा स्विच भी खुल गया। अब इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे तो हमारा निकल गया। अब ये वायर को वायर का जैक भी निकाल लेंगे, यहाँ पे जो फंसा हुआ ये तो ये ज़्यादा टाइट हो रखा है, तो देखते हैं ये भी निकल गया। अब हम ये वाला हिस्सा को हम बाहर कर लेंगे जिससे हम प्रॉपर मोटर को चेक कर सकते हैं किसमें वाकई में ख़राब कहाँ से हुआ है। इसको हम साइड कर देंगे, अब देख सकते हमारा ये मोटर है। अब हम चेक कर दें कि हमारा मोटर ख़राब कहाँ से हुआ है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है खराब। तो आप देख सकते हैं यहाँ से खराब हो गया है, तारे अंदर से भस्म हो गई। तो इस मोटर को हम इस बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इस बॉडी से निकालने के लिए अपने को देख सकते हैं ये 3 पेंच लगे हुए, तो यहाँ पे एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ है 3, इन ढक्कन को निकालेंगे तो हमारा पेंच दिख जाएगा। तो इसको हम पेचकश की मदद से इसको किनारे से उठा लेंगे जब जाके निकलेगा हमारा ये। तो आप देख सकते हैं एक कैप है जो निकल गया, ऐसे 2 कैप और है जिसको हम निकाल लेंगे। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा भी निकल गया, अब तीसरा रह गया। तो हमारा 3 के 3 निकल गए हैं। अब हम फटाफट 3 पेंच को खोल के मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से खोलेंगे तीनों पेंच। हमारा फाइनली 3 पेज खुल गया, अब इसको हम निकाल लेंगे ढक्कन कोई वाला को। तो आप देख सकते हैं हमारा मोटर प्रॉपर बाहर आ गया। अब मैं आपको नया मोटर दिखाता हूँ जो इसके अंदर हम डाल के आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये मिक्सी की मोटर है जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और ये हमारा महाराजा मॉडल की मोटर है, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये मोटर है, ये हमारे पास ये इसकी वायर है। तो ये हमारा कॉमन है और ये हमारा स्पीड के लो मीडियम हाई। तो
हम एक बार पुराने वाले से मिला लेंगे कि हमारा सेम है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारा ये दोनों सेम है बिल्कुल, कोर लेंथ भी और ये बनावट भी। तो इसको हम फटाफट फिटिंग कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मोटर को हम ऐसे रख देंगे और इस रबर को हम इस तरीके से रख देंगे जो इसी के अंदर से निकला है। उसके बाद हम इस बॉडी को इस तरीके से रख देंगे, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर तीन होल बने हुए। अब इसके अंदर हम नट लगा के इसको टाइट कर देंगे, और ये तीन नट है, इस नट को हम यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, और पेचकश मदद से हम तीनों के तीनों टाइट कर देंगे। इस वाले में भी रख देंगे। और फटाफट हम टाइट कर देंगे इसको। तो फाइनली हमारा नट फुल टाइट हो गया। अब इसके अंदर हम जो वार्सल है उसको हम बिठा देंगे इस तरीके से रख के, और इसको हम दबा देंगे, हमारा ये प्रॉपर बैठ जाएगा। और ये बैठ गया, तीनों के तीन बिठा देंगे। और हमारा यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर ये कपलिंग को बिठा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा खांचा चौकोर है इस तरीके से, और इस खांचे में हम ऐसे पकड़ के और इसको बिठा देंगे, इसको ऐसे दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्रॉपर बैठेगा, आप घुमा के भी देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये वाला बॉडी बिठा देंगे, तो इस तरीके से हम ऐसे रख देंगे। इस मार्किंग की तरफ हम अपना ये वाला कर देंगे जो स्विच का बटन है, और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से रख के, और फिर इसमें चार नट लगा के हम टाइट कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये फुल टाइट हो गया। बारिश की कनेक्शन करने की, तो हम पुराने वाले मिक्सी के अंदर से जो वायर है इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं अब इसमें लगा हुआ है। तो इसके अंदर हम निकाल लेंगे सारे वायर को, जैक से निकाल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आराम से निकल गए सारे के सारे। और फिर हमें स्विच को अलग कर देंगे, इस वाला वायर को निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक क्लैंप को काटना पड़ेगा केबल टाइप को, जिससे हमारा ये मेन केबल बाहर आ जाएगा। और इस वाले को भी हम खोलेंगे, अर्थ की वायर है ये। और हमारा एक केबल बाहर आ गया, इस मोटर को साइड कर देंगे, और इसके अंदर हम इस वाले केबल को लगा देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो अब हम स्विच की कनेक्शन कर देंगे। तो इसके अंदर हमारा मेन केबल आएगा, ये लाल वाला वायर, तो इसको हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर है, तो एक नंबर में हमारा ये ब्लैक वाला वायर आएगा इस तरीके से, दो नंबर में अपना ये वाइट वाला आएगा इस तरीके से, और ये तीन नंबर हमारा पीला वाला वायर आएगा। तो हमारा कंप्लीट हो गया कनेक्शन, इसको हम यहाँ पे लगा के टाइट कर देंगे नट बोल्ट की मदद से, आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा के, और ये इस नट को हम टाइट कर देंगे, और फ्लास्क की मदद से हम टाइट कर देंगे इसको। ये फुल टाइट हो गया। अब इस ये नोब को हम लगा देंगे इस तरीके से खांचे में देख के, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक ये वायर बचा है जो कॉमन है मिक्सी का, और एक ये वायर है जो मेन लाइन का है। इन दोनों वायर को हम इस वाले स्विच में लगा देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं ये भी कंप्लीट हो गया। और इस वाले वायर को भी हम कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से, ये भी कंप्लीट। अब हमारा ये अर्थ की वायर है, इसको हम इस यहाँ पर लगा के टाइट कर देंगे नट बोल्ट की मदद से। तो ये पिंच है, इसकी मदद से हम टाइट कर देंगे। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब हम इस ढक्कन को ऐसे पैक कर देंगे इस तरीके से, और नट बोल्ट की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ये नट बोल्ट टाइट होके कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे,
और ये हमारा प्रॉपर मिक्सी बन के तैयार हो गया बारिश की फुल टेस्टिंग करने की। तो सबसे पहले हम सीरीज में लगा के चेक करेंगे, तो इसको हमने सीरीज में लगा दिया। अब यहाँ से ऑन करें, देख सकते हैं हमारा ये बल्ब घूम रहा है, जल रहा है। अब देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। अब इसको पावर पॉइंट में लगा के चला के चेक करेंगे, हमने पावर पॉइंट में लगा दिया। यहाँ से चला लेते हैं, तो हमारा मिक्सी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके अंदर ये मोटर खराब था जो हमने चेंज कर दिया, हमारे मिक्सी में कोई कमी नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।